नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जिमी और आप है मेंटोरियो वर्ल्ड के साथ। और आज हैं हम पार्ट 7 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, जिसका टाइटल है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो सबसे पहले तो इसमें ये क्या है, ये मेथड 3 है किसके लिए, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। और ये जो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जो है, ये हम जनरली यूज़ करेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। ओके, और इसकी फॉर्म कैसी बन जाती है ये देखिए आप, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस के वन डी वाई बाय डी एक्स प्लस के टू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, जिसमें के वन और के टू क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। इस टाइप का फॉर्म रहेगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके दो पार्ट्स रहते हैं, एक तो होता है सी एफ, दूसरा होता है पी आई। तो सी एफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसकी फॉर्मेट मान लेते हैं इस टाइप का आ रहा है, वाई सी इज इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू, जिसमें क्या है सी वन और सी टू जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। और वाई पी आता है हमारे पास, मान लीजिए ए वाई वन प्लस बी वाई टू, और ए और बी हैं कॉन्स्टेंट्स। तो हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में क्या कर सकते हैं, हम ए और बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ए का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमें एफ एक्स गिवन है, राइट हैंड साइड में जो एक्स का फंक्शन है वो गिवन है एफ एक्स, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय, अगर ए निकालना है तो हम वाई टू से उसके ऑपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स वाई टू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है आप कुछ आगे चल के बताते हैं, और ए को निकालते हुए माइनस का साइन लगाना है, और वैसे ही बी के लिए, अब ये सेकंड पार्ट है, बी के लिए हमें प्लस रखना है और एफ एक्स वाई वन बाय डब्ल्यू डी एक्स। अब डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू हमें वैसे तो इसका नाम कई जगह आपने पढ़ा होगा, रॉन्सकियन है कभी कुछ कभी कुछ, तो हम इसको W ही मानेंगे। और ये कहाँ से कैलकुलेट होता है, तो ये डिटरमिनेंट निकालने पे किस चीज़ का, वाई वन और वाई टू का, और सेकंड रो में आएगा हमारे पास वाई वन डैश अपॉन में वाई टू डैश। तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्मेट में क्या बनता है, वाई टी इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी विच इज इक्वल टू सी वन प्लस ए वाई वन प्लस सी टू प्लस बी वाई टू। मतलब कि हमारे पास फॉर्मेट आएगा y1 और y2 में ही, y टोटल जो आएगा, लेकिन इसमें कॉन्स्टेंट जो है हमारे वो एड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या गिवन है, डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू वट, टेन एक्स। तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि d इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, यहाँ से d इज इक्वल टू आएगा हमारे पास प्लस माइनस a आयोटा, d इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, हमारे पास वाई सी आ जाएगा, वाई सी इज इक्वल टू सी वन कॉस ए एक्स और प्लस में सी टू साइन ऑफ ए एक्स, ये हमारे पास आ चुका है। अब वाई वन हम मान लेते हैं ये है, और साइन ए एक्स है हमारे पास वाई टू, तो ये वाई वन हो गया, ये वाई टू हो गया। तो हम सबसे पहले इसमें W निकाल लेते हैं, W क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा cos AX और यहाँ पे आएगा sin AX, और यहाँ पे क्या आएगा y1 dash, cos AX का डिफरेंशिएशन ये होगा sin का डिफरेंशिएशन, cos cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, माइनस A sin AX, और ये sin AX का हो जाएगा A cos AX। तो अब इसको डिटरमिनेंट को बस हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या बनेगा, ए कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस ए साइन स्क्वेयर ए एक्स, तो ये बन गया हमारे पास डब्ल्यू इक्वल्स टू ए ओनली। अब वाई वन को वाई पी निकालने के लिए हम क्या करते थे, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ ए एक्स। तो हम ए को कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, ए इक्वल्स टू आएगा हमारे पास माइनस सबसे पहले, फिर आएगा एफ एक्स, एफ एक्स क्या है यहाँ पे टेन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू क्या है, ए है हमारे पास, और ये एफ एक्स आ गया, यहाँ पे ए है तो हमारे पास ऑपोजिट वाला आएगा साइन ए एक्स आएगा हमारे पास टेन एक्स, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स। ओके, अब इसको बस हमें इंटीग्रेट करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें, सॉरी इसमें क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे टेन एक्स नहीं है, ये है टेन ए एक्स था, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, टेन ऑफ ए एक्स यहाँ पे भी आएगा टेन ऑफ ए एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू टी रखेंगे,
तो ये बन जाएगा एक्स ए डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट डी टी। ओके तो यहाँ पे होएगा, यहाँ पे होएगा टेन टी साइन टी और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय ए। तो ये वन बाय ए स्क्वेयर बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये, और माइनस आएगा और यहाँ पे आएगा ए। तो टेन टी में आएगा साइन टी अपॉन में कोस टी, साइन स्क्वेयर टी अपॉन में कोस टी। तो इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट्स में रहेगा वन बाय ए स्क्वेयर सारे के, और ये माइनस वन मल्टीप्लाई में साथ में इसके, तो ये बनेगा हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस ऑफ वन बाय ए स्क्वेयर लॉग ऑफ मोड ऑफ सीकेंट ऑफ ए एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ ए एक्स माइनस साइन ए एक्स। इसी तरीके से हम बी को कैलकुलेट कर लेंगे। बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एफ एक्स वाई वन बाय में डब्ल्यू डी एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, हमारे पास क्या आएगा माइनस वन बाय ए स्क्वेयर कॉस ए एक्स। तो इसको हम फाइनली पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम C1 C2 की यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास जो है कंडीशंस गिवन नहीं है, मतलब y इज इक्वल टू जीरो कब होएगा, y इक्वल्स टू जीरो किस वैल्यू पे होएगा x की, y इक्वल्स टू कुछ और वैल्यू कब होएगी x की वैल्यू पे, अगर वो गिवन होगा तो हम उससे C1 C2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है डी स्क्वेयर माइनस सिक्स डी प्लस नाइन वाई इक्वल्स टू ई की पावर थ्री एक्स बाय एक्स स्क्वेयर। तो इसमें सबसे पहले तो हम सी एफ निकालेंगे और सी एफ हमें देखते ही पता लग रहा है यहाँ पे, ये डी इज इक्वल टू आएगा हमारे पास थ्री कॉमा थ्री, तो हमारे पास वाई सी आ जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर थ्री एक्स, ये डायरेक्टली हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास वाई वन हो गया हमारे पास सी वन ई की पावर थ्री एक्स, और y2 हो गया हमारे पास c2 x e की पावर 3x मल्टीप्लाई बाय x x, यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो सबसे पहले w निकाल लेते हैं हम, w निकालना कैसे है, यहाँ पे c1 e की पावर 3x और यहाँ पे आएगा c2 x e की पावर 3x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा फिर से 3c1 e की पावर 3x। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले c2 कॉमन, पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 3x प्लस में x एज इट इज और ऊपर वाले का हो जाएगा 3e की पावर 3x। तो डिफरेंशिएशन निकालते वक्त सबसे पहले तो हम कॉमन चीज़ों को निकाल लेंगे, तो इसको कॉमन चीज़ें निकाल निकल के सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर 6x। तो हमारे पास अब yp आएगा हमारे पास a e की पावर 3x, सॉरी यहाँ पे मैंने C1 लिख दिया, ओके मैंने मिस्टेक कर दिया, ये C1 यहाँ पे नहीं आएगा, C1 यहाँ पे नहीं आएगा, C2 भी नहीं आएगा। C1 C2 को छोड़ने के बाद हमारे पास जो बचता है वो बनता है हमारा Y1 Y2, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ पे बनेगा YP इज इक्वल टू A e की पावर 3X प्लस BX e की पावर 3X। फाइनली A को निकालेंगे हम, ए आएगा हमारे पास माइनस ऑफ एफ एक्स है ई की पावर 3x अपॉन में एक्स स्क्वेयर, सबसे पहले y2 आएगा तो ये है x ई की पावर 3x dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बनेगा ये यहाँ पे आएगा एक रॉन्सकियन का भी फंक्शन आएगा ना ई की पावर 6x आएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास सॉल्व होके आएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ऐसे ही हम बी को निकाल लेंगे, माइनस प्लस आएगा यहाँ पे सबसे पहले तो ई की पावर 3x अपॉन में एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे आएगा ई की पावर 3x और यहाँ पे आएगा रॉन्सकियन ई की पावर 6x dx इक्वल्स टू हमारे पास ये बनेगा 1 बाय एक्स स्क्वेयर जिसका इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय एक्स। तो इसको हम फाइनली पुट कर लेते हैं तो हमारे पास वाई टी आएगा टोटल जो है, सबसे पहले तो सी वन आएगा हमारे पास प्लस में ए, तो ये प्लस हट जाएगा सी वन माइनस लॉग ऑफ एक्स
e की पावर 3x प्लस में सी टू माइनस 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स ई की पावर 3x, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला पार्ट आता है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऐसी कुछ इक्वेशंस कई बार आ जाती हैं जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिलती है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाने के लिए। तो ऐसी कैसी इक्वेशन आएंगी, सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद ये जानेंगे इनको सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये गिवन फॉर्म दे रखी है, इसमें ए एक्स प्लस बी के होल का स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस ए एक्स प्लस बी वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें ए एक्स प्लस बी को आपको रखना है ई की पावर जेड। अब आप जैसे कि जानते हैं ln ऑफ, आप दोनों तरफ log लेंगे तो ln ऑफ ए एक्स प्लस बी बन जाएगा इक्वल्स टू जेड बन जाएगा। तो ये बनेगा a बाय ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डेल जेड बाय डेल एक्स। ओके, तो ए एक्स प्लस बी डी वाई बाय डी एक्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी वाई बाय डी जेड मल्टीप्लाई बाय डी जेड बाय डी एक्स। अब आप इसको डी जेड बाय डी एक्स आप प्रीवियस इक्वेशन से यहाँ से अगर आप इसको वापस से पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा सिर्फ और सिर्फ ए डी वाई बाय डी जेड। ठीक है, ए डी वाई बाय डी जेड बनेगा ये। अब हम क्या करते हैं, डी बाय डी जेड को एक बार लेट कर लेते हैं कैपिटल डी। तो ए एक्स प्लस बी डी वाई बाय डी एक्स को हम लिख सकते हैं ए कैपिटल डी वाई। और इसी तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा लेकिन आप इस चीज़ को देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर, मतलब कि जो हमारे पास पहले वाली जो टर्म है, हमारे पास ये वाली जो टर्म है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, जो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये भी हमारे पास जो है इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके का फॉर्मेट हमारे पास आ जाएगा। तो होएगा क्या यहाँ पे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ऑफ डी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वाई। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, जब भी रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी, जो ये आंसर आएगा ना हमारे पास, ये फंक्शन ऑफ जेड आएगा। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आंसर अभी भी एक्स की टर्म्स में देखना है, चाहिए आपको एक्स की टर्म्स में ही। तो आप लास्ट में क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपके पास zz zz आएगा वहां पे आप उसे रिप्लेस कर देंगे ln ऑफ ax प्लस b से। क्लियर है? तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसा आपकी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 dy बाय dx प्लस 4y इक्वल्स टू log ऑफ 2x प्लस 3। तो आपको दिख रहा होगा इसमें दिस इज नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू ए की पावर z। तो मतलब के ln ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू z, सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। तो हम कैसे करेंगे हम इसके कि तो जहां पे भी 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर आ गया, अगर मान लीजिए ये वाली टर्म है हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले कॉफिशियंट ऑफ एक्स, मतलब कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी डी माइनस 1 प्लस में इस वाले हिस्से को लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डी, यहाँ पे वाई भी आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू जेड। क्लियर है? अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, 4 यहाँ से आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो सबसे पहले इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये बना डी स्क्वायर माइनस डी वाई, एक सेकेंड, वाई को भी हम एज इट इज अभी रहने देंगे, कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, 3dy प्लस में इक्वल्स टू जेड बाय 4, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं सबसे पहले, हाईलाइट करने के बाद ये इस टाइप से बन जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सी एफ निकालते हैं हम यहाँ पे। सी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो जेड बाय 4 को हम रिमूव कर देंगे,
और जेड बाई फोर को रिप्लेस कर देंगे जीरो से और वाई को हम कर देंगे रिमूव, तो हमारे पास वैल्यूज ऑफ डी आ जाएंगी। तो ये बनेगा हमारे पास डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस थ्री डी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, मतलब के डी स्क्वेयर प्लस टू डी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो डी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास वन कोमा वन, मतलब के हमारे पास वाई सी आएगा सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू एक्स ई की पावर, ये एक्स नहीं आएगा यहाँ पे जेड आएगा, तो इसका आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि अभी हमारे पास ये इक्वेशन जो है डी बाय डी जेड की फॉर्म में है, तो ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ और ढंग से लिख देता हूँ, ये यहाँ पे मिस्टेक होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं क्योंकि आज भी मैं इतनी प्रैक्टिस के बाद भी ये बारी बारी मिस्टेक करता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है सी वन जेड सी टू जेड ए की पावर जेड, ये मैं रेड पेन से इसीलिए लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे। चलिए वाई पी निकालना है। वाई पी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी। ए निकालने का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हमें डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, तो डब्ल्यू निकाल लेते हैं हम। तो W आएगा सबसे पहले y1 आएगा, ये e की पावर z और z e की पावर z, तो W के लिए e की पावर z और ये आ गया z e की पावर z, तो e की पावर z का डिफरेंशिएट करोगे फिर से e की पावर z आएगा और z का डिफरेंशिएट करोगे 1 e की पावर z प्लस में z e की पावर z, इस तरीके से डिफरेंशिएट करके बन जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबसे पहले तो e की पावर z यहाँ से निकल जाएगा, e की पावर z सब के सब से e की पावर z निकल जाएगा, तो e की पावर 2z तो आ जाएगा बाहर, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारे पास z है, यहाँ पे है 1 प्लस z और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास e की पावर 2z, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस z माइनस z, तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर 2z। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर सा ही है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, उसमें बस फर्क ये था e की पावर 3x था यहाँ पे और यहाँ पे है e की पावर 2z। तो हमारे पास W आ गया, तो A का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस ऑफ A यहाँ पे अब एफ जेड रखेंगे, सबसे पहले Z बाय फोर और यहाँ पे हम Y2 रखेंगे, Z e की पावर Z डिवाइड बाय e की पावर 2Z W एफ जेड वाई टू बाई डब्ल्यू माइनस का भार ये डी जेड, क्लियर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये बनेगा जेड स्क्वेयर बाय फोर ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वेयर बाय फोर ई की पावर माइनस जेड डी जेड। तो इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व कर लीजिएगा और वैसे ही हमारे पास बी आएगा, हमारे पास ये आएगा हमारे पास z बाय फोर सबसे पहले, फिर आएगा हमारे पास e की पावर z डिवाइड बाय e की पावर 2z dz। आप इसको a और b को सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास कुछ आंसर आएगा। इसको इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसमें e की पावर z जहाँ पे भी दिखे आपको उसको रिप्लेस करना है 2x प्लस 3 से और z को आपने रिप्लेस करना है ln ऑफ 2x प्लस 3 से। तो yc आपके पास ऑलरेडी है, yp आपके पास आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और आपके कोई भी कमेंट्स रिव्यूज़ कुछ भी आपको सही लगे गलत लगे जो भी है हमें बताएं ज़रूर।